हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में एक चेस्ट ट्रैप देखेंगे जो कि बॉबी फिशर ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चेस्ट ट्रैप को सबसे पहले रॉबर्ट जेम्स फिशर, जो कि बॉबी फिशर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस ट्रैप को 1958 में सबसे पहले खेला था। सो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं ये रैप में क्या होता है। दोस्तों, गेम की शुरुआत होती है जब वाइट सबसे पहले मूव में खेलता है e4 और c5 के बाद ये सिसिलियन डिफेंस ओपनिंग है। नाइट f3, नाइट c6, d4, c takes on d4, नाइट टेक्स ऑन d4 और g6 के बाद ये ओपनिंग एक्सेलरेटेड ड्रैगन वेरिएशन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। नाइट c3, बिशप g7, बिशप e3, नाइट f6 और बिशप c4 के बाद यहाँ पे ब्लैक करता है शॉर्ट कैसल। दोस्तों, यहाँ पे वाइट खेलेगा बिशप b3 और जो ये बिशप है वाइट का हाइट स्क्वायर वाला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिशप है, तो यहाँ पे ब्लैक चाहेगा हाइट a5 खेल के इस बिशप को अपने नाइट से एक्सचेंज कराने का। लेकिन दोस्तों, यही इस ओपनिंग का ट्रैप है। यहाँ पे वाइट खेलेगा e5 और ब्लैक के नाइट पे अटैक करेगा। यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट मूव होगा कि वो यहाँ पे वाइट के इस बिशप को मार ले और e(f6) के बाद Nh(a1) और Fg7 के बाद Nh(c2) चेक और Nh(c2) Kg(g7) के बाद, दोस्तों इस पोजीशन में वाइट के पास रुक के बदले दो माइनर पीसेस है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, ये ब्लैक का किंग काफ़ी वीक है क्योंकि ब्लैक के पास डार्क स्क्वायर बिशप नहीं है, जिसके कारण से वाइट आसानी से ब्लैक के किंग पे अटैक कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे e5 के बाद अगर ब्लैक नाइट e8 खेलता है तो यहाँ पे वाइट खेलेगा बिशप f7 चेक और king f7 के बाद नाइट e6। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वाइट ब्लैक के क्वीन पे अटैक कर रहा है और ब्लैक के क्वीन के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है बचने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर ब्लैक इस पॉन से वाइट के नाइट को मारता है तो यहाँ पे ब्लैक का क्वीन कट जाएगा, और अगर इस पोजीशन में ब्लैक इस नाइट को किंग से मारता है तो यहाँ पे वाइट खेलेगा क्वीन d5 चेक और ब्लैक के किंग के पास सिर्फ एक ही स्क्वायर है जो कि है king f5 एंड g4 चेक। दोस्तों, यहाँ पे फिर से ब्लैक के किंग के पास सिर्फ एक ही स्क्वायर है जो कि है king g4 रूक g1 चेक। यहाँ पे अगर ब्लैक king f5 खेलता है तो रूक g5 चेकमेट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे king f5 की जगह वो अगर king h5 खेलता है तो यहाँ पे वाइट एक वेटिंग मूव खेलेगा जो कि queen g2, और यहाँ पे वाइट queen g4 का चेकमेट कर रहा है और साथ ही साथ queen g5 का चेकमेट कर रहा है और भी एक चेकमेट कर रहा है जो कि queen s3 का। दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक ये तीनों चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे वाइट कंप्लीटली विनिंग है। और दोस्तों, यहाँ पे जब वाइट ने बिशप f7 चेक खेला था, अगर यहाँ पे ब्लैक किंग से मारने के जगह अगर रुक से मारता है तो फिर भी यहाँ पे नाइट e6 खेल सकता है वाइट, जो कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगा क्योंकि ब्लैक के क्वीन के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है बचने के लिए, और अगर d(e6) खेला जाता है तो queen d8 के बाद वाइट क्वीन अप होगा और इस गेम को काफी आसानी से जीत सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चेस ट्रैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।